उत्तर प्रदेश 2022 नगर निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं बैतालपुर में। या बैतालपुर में हमारे बीच मौजूद हैं अजय सिंह, जो प्रतिनिधि तौर पर अध्यक्ष जी का चुनाव के मैदान में खड़े उतरे हैं। आइए जानते इस चुनाव को लेकर किस तरह कंपेनिंग कर रहे हैं। ये अजय जी, इस चुनाव को लेकर कैसे कंपेनिंग कर रहे हैं? कंपेनिंग भाजपा के बैनर तक लोग कर रहे हैं और गाँव घर घर एक एक आदमी के पास जाते होंगे भाजपा को जिताने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के मैदान में खड़े उतर गए, किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे बहुत सारे हैं भाई। बहुत ही पहली बार नया नव सृजित नगर पंचायत है और इसमें बहुत सारे जैसे नाली का हो गया, सफाई का हो गया, इलेक्ट्रिक सोलर लाइट का हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, सफाई का बहुत ज़्यादा इशू है। रोड पे बहुत नालियों का बहुत ज़्यादा बारिश में जल जमाव है और नगर पंचायत बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो उधर रेलवे ट्रैक के पास अंडर पास या ओवर ब्रिज के लिए भी एक बहुत तमाम एक बहुत बड़ा इशू है। हम उधर जाते हैं तो हमेशा आधे से 40 मिनट तक का हमको ब्रेक वहाँ देना पड़ता है कि कोई एम्बुलेंस आए या कुछ भी, कोई आवागमन बहुत ज़्यादा बाधित होता है, उसके लिए भी आवाज़ उठाया जाएगा। आप घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस तरह यहाँ पर जनता का सपोर्ट मिल रहा है? जनता का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा है। भाई साहब हमारे यहाँ के मौजूदा ग्राम प्रधान हैं और ये हमारा ग्राम सभा बहुत बड़ा भी है, समथिंग 45 प्लस वोट है यहाँ पे हमने ग्राम सभा का। और पूरे नगर पंचायत को मिला दिया जाए तो 20+ वोट हो रहा है, जिसमें हमारा ग्राम सभा सबसे बड़ा है और बहुत ही बढ़िया जन समर्थन है भाजपा के लिए, लोगों के लिए। बस हम लोग जाते हैं, समर्थन बहुत ज़्यादा मिलता है। जो भी मोदी और योगी की योजनाएँ हैं उससे बहुत ज़्यादा लोग आकर्षित हैं और प्रभावित हैं और समर्थन बहुत ज़्यादा मिलता है। चुनाव के मैदान में खड़े हो, अगर चुनाव जीत जाते हैं तो बैतालपुर के लिए विकास के जो मुद्दे हैं कैसे? विकास के लिए हमारे यहाँ जो जैसे एक जो हर ग्राम सभा में पोखरी है और पोखरी के लिए जो जल जमाव हो जाता है उसमें नालियों का शुद्धिकरण बना के और फिर लोगों के चलने के लिए शहरीकरण में जैसे पार्क है, अनफुटवे जो चलने के लिए है लोगों को, सुबह सुबह जो लोग चलते रहते हैं जो वॉकिंग करने के लिए है, फिर ये लाइट है, रोड है, अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा। हमारे बीच अजय सिंह जी मौजूद हैं, जिनका कहना है कि मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर मैं चुनाव जीत जाता हूँ तो बैतालपुर के लिए पूरा विकास कराऊंगा। देवरिया ब्यूरो, रवि प्रकाश बादल। बहुत अच्छा लग रहा है, नौ श्री जी नगर पंचायत बैतालपुर में जो दिख रहा है वो विकास की गंगा बहेगी यहाँ पे। और सड़क की चौड़ीकरण, जल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और यहाँ पे जो हम लोग के बिशुनपुरा जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पे अंडरग्राउंड का व्यवस्था किया जाएगा। और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कमल का फूल खिलेगा निश्चित तौर पे। अगर जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट हमारे यहाँ के बैतालपुर के जो ग्राम प्रधान हैं उनके भाई अजय सिंह को देती है तो यहाँ पे निश्चित तौर पे कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्राम सभा है और यहाँ पे लगभग 4500 समथिंग वोट हैं और यहाँ से जितने हमारे बुजुर्ग बड़े लोग हैं और सब आशीर्वाद अजय सिंह को दे रहे हैं और कमल का फूल खिलाने के। चुनाव के मैदान में बहुत सारे प्रत्याशी खड़े उतरे गए हैं, आप किस मुद्दे पर अपना मत करेंगे? हम विकास के मुद्दे पे और युवाओं के लिए मतदान करेंगे और युवाओं का जो सोच है वो हमारे यहाँ के जो अजय सिंह प्रत्याशी हैं भाजपा से, भाजपा जो लड़ रहे हैं चुनाव, अगर यहाँ के क्या सुनना पड़ेगा मनीष सिंह और छात्र संघ कॉलेज देवरिया। हमारे बीच एक चाचा जी मौजूद हैं और बुजुर्ग भी लग रहे हैं, आइए जानते हैं कि यहाँ पर पहली बार अध्यक्ष पद यहाँ पर मत पड़ना है, कैसा इनके पहली बार अपना मत करेंगे कैसा लग रहा है? नहीं, मैं महेंद्र यादव बैताल ग्राम सभा बैतालपुर से बोल रहा हूँ। मैं बहुत पहले से भाजपा में हूँ, आज का माहौल देखते हुए मुझको ऐसा लग रहा है जो अपने यहाँ से अजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं हमको पूरा विश्वास है कि जितने बार वो पूरा काम करेंगे, इसलिए मैं भाजपा के साथ रहूँ। क्या सुनना पड़ेगा? महेंद्र यादव। आप भाई साहब यहाँ पर पहली बार पंचायत का चुनाव होना है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, प्रत्याशी भी हम लोग का बहुत बढ़िया है, जहाँ चाहेंगे वहाँ करेंगे। किस मुद्दे पर बहुत सारे प्रत्याशी खड़े उतर गए, किस मुद्दे का अपना मत करें? इनका जो कहना है एकदम स्वच्छ, जैसे कि बैतालपुर ग्राम सभा आयन जितना गाँव आ रहा है स्वच्छ हो, इसीलिए और ये इस